सो हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम कर रहे हैं कोरियन नूडल्स टेस्ट। तो एक किमची फ्लेवर है और ये थोड़ा स्पाइसी है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस हम इसको अलग अलग बनाएंगे और दोनों का टेस्ट कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी ज़्यादा फ्लेवर। सो गाइस हमने दोनों पैकेट खोल लिया और देखते हैं इनमें से क्या आते हैं। तो गाइस इसमें से निकला ये फ्लिक्स है और किमची फ्लिक्स है और ये मसाला है और ये है फ्लिक्स है और ये भी मसाला है। तो गाइस इसका नूडल्स भी है इसके अंदर और इसके अंदर भी है। तो गाइस हम दूसरे वाले के भी नूडल्स डाल रहे हैं। पागलों वाले काम करते हैं। सो गाइस हम इस वाले नूडल का मसाला डाल रहे हैं इसके अंदर। बहुत स्पाइसी होने वाला है। सो गाइस अब हम किमची वाला मसाला डाल रहे हैं। हमने खोल दिया। तो गाइस हमारी पेपर पेज ने सुसाइड कर ली थी अभी इस वाले सूप के अंदर। सो गाइस ये वाला जो नूडल्स थे अब इनके हम फ्लिक्स डालेंगे जो मतलब इनके वेजिटेबल्स होते हैं वो। तो गाइस ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर किमची है। तो चलिए सुन रहे अब हम इसको एक बारी मिक्स कर लेते हैं। सो गाइस ये नूडल अब रेडी हो गए हैं। तो अब हम इनकी प्लेटिंग करते हैं। सो गाइस जो किमची वाले नूडल है आप इनको प्लेट में डाल रहे हैं तो देख सकते हैं कितने अम्मी लग रहे हैं। सो गाइस अब हम दूसरे वाले नूडल्स डाल रहे हैं। दिक्कत आनी कुछ। सो गाइस अब हम दूसरे वाले नूडल्स डाल रहे हैं। ये भी बहुत ही यम्मी लग रहे हैं बट ये स्पाइसी लग रहे हैं मेरे को थोड़े देखने में। हो गया अब हम चॉपस्टिक लेंगे। सो गाइस ये किमची फ्लेवर का है और ये दूसरे फ्लेवर का है और ये इस पर हमने सॉसेज और सलामी भी रख दी है। सो गाइस ये काफी स्पाइसी है और मेरे पास चॉपस्टिक भी है। ये देखिए अब मैं दूसरे वाले टाइम मारती हूँ। सो गाइस ये किमची फ्लेवर है अब इसको ट्राई मारते हैं। नॉर्मल है ना ज़्यादा तीखी ना ज़्यादा मीठी और ये थोड़ी सी स्पाइसी है थोड़ी सी नॉर्मल है मतलब ठीक है इसको टेस्ट। अरे कहना क्या चाहते हो। सो गाइस इसके अंदर एक किमची का वो है इस गिर गया ये किमची का फ्लेवर और मैं सब टेस्ट करूँगी। अचार तो गाय जो किमची होती है वो कोई एक तरह से अचार ही होता है कोरियन अचार तो वो वैसा ही टेस्ट कर रहा है। सो गाइस अब मैं सॉसेज के साथ ट्राई मार रही हूँ। गुड लग रहा है। अब मैं इसके साथ ट्राई मारूँगी पहले खाऊंगी। What is it?
गाइस, सो गाइस ये चिकन सॉसेज है। सो गाइस अब ये भी हम सलामी के साथ खाते हैं। ये बहुत अच्छा लग रहा है इसका टेस्ट। सो गाइस हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए। सो गाइस मैं आपको इन दोनों को फिनिश करने के बाद मिलती हूँ, तब तक के लिए मैं बताऊँगी आपको कि कौन सा मेरे को फ्लेवर अच्छा लगा, तब तक के लिए आप देखते रहिए। सो गाइस हमारा पेप्सी के बिना कोई ब्लॉग पूरा नहीं होता, तो इसलिए पेप्सी। और अब हम डाले हैं पेप्सी पिए बिना कोई ब्लॉग नहीं। मजा आ गया, दिल पे ठंडक पड़ गई। ये दिल मांगे मोर आहा पेप्सी। ओ गाइस ये वाली जो नूडल्स है वो थोड़ी स्पाइसी है, ये जिनको स्पाइसी खाना बहुत पसंद है वो इनके लिए ठीक है, उन लोगों के लिए ठीक है। और ये सॉसेज और सलामी के साथ बहुत अच्छी लगती है। ओ तीन सो गाइस ये सॉसेज के साथ बहुत अच्छी लग रही है, और ये मेरे को स्पाइसी खाना बहुत पसंद है इसलिए मेरे को बहुत अच्छी लगी ये नूडल्स। सो गाइस आपको स्पाइसी नहीं पसंद तो आपको ये वाला ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल है और ये बहुत अच्छा है। ये भी ठीक और ये भी सलामी और सॉसेज का है, बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हैं।